तथा वायुसेना के दो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड संगठित रूप से थल सेना और वायुसेना के इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन उदाहरण देते हुए दुश्मन के मैकेनाइज्ड दस्तों को बर्बाद करेंगे। इसी को देखने के लिए अपना ध्यान बाएं वाले काले और सफेद स्क्रीन के आगे की तरफ ले जाएं, जहां आप इन T-90 टैंक्स के पीछे उड़ती हुई धूल को देख सकते हैं। रेतीला इलाका होने की वजह से इन टैंकों को देखने के लिए अपनी नजर उड़ती हुई धूल के निचले हिस्से पर ले जाएं, जहां भीष्म टैंक के संहार का सबल सामर्थ्य दिखेगा। अभी आप अपना ध्यान पूरा बाएं ले जाएं, जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बना हुआ भारतीय वायुसेना का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड तथा थल सेना के T-90 टैंक्स तेजी से बाएं से दाहिने की ओर बढ़ रहे हैं और अपने सटीक और तीव्र प्रहार से दुश्मन को टारगेट ग्रुप एक में बर्बाद करेंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड संहार का आकाशीय आयाम 70 मिलीमीटर रॉकेट्स और 20 मिलीमीटर नोज गन से सुसज्ज। दो शक्ति H1 इंजन का उपयोग। देवी और सज्जनों, अभी आपने देखा किस प्रकार LCH प्रचंड ने अपने प्रभावी फायर से टारगेट ग्रुप एक में दुश्मन को धराशायी कर दिया। अब अपना ध्यान थोड़ा दाएं खुली जमीन की तरफ ले जाएं, जहां हमारे 28 T-90 टैंक अपनी मेन गन का संयुक्त प्रहार करते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। धूल का गुबार, भीष्म का प्रबल प्रहार और दुश्मन के इलाके में हाहाकार। लड़ाई के दौरान यह हरकत यहां से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर होगी, जबकि बाएं वाले T-90 टैंकों की कार्रवाई यहां से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर की जाएगी। T-90 को भीष्म के नाम से भी जाना जाता है, पितामह की प्रतिज्ञा की तरह अटल, अटिक, अजेय, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैंकों में शामिल T-90। लो सिलहट, मजबूत आमर, इसके कवच को भेदना बेहद मुश्किल। अपने प्रबल प्रहार से दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचाता T-90 भीष्म 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 2000 राउंड्स की क्षमता वाली 7.62 मिलीमीटर मशीन गन, 300 राउंड्स की 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोट फायरिंग की काबिलियत इस टैंक को बेहद सशक्त बनाती है। अब आप देख रहे हैं किस तरह दाहिने से आगे बढ़ते हुए 28 T-90 टैंक बाएं वाले 14 टैंकों के साथ मिलकर अपने आधुनिक फायर कंट्रोल द्वारा दुश्मन पर अचूक प्रहार करते हुए उसके रिजर्व टैंकों को किल बॉक्स में बर्बाद कर रहे हैं। अपना ध्यान टारगेट ग्रुप एक तथा टारगेट ग्रुप पांच में ही रखें। फायर और मूव का एक उत्कृष्ट उदाहरण। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, धूल का गुबार, दुश्मन के लेजर और थर्मल इमेजिंग सिस्टम से बचाव के लिए टैंक T-90 81 मिलीमीटर एंटी थर्मल एंटी लेजर स्मोक ग्रेनेड भी फायर कर सकता है। इसका एक उदाहरण देते हुए आपके सामने सबसे नजदीक वाला T-90 टैंक 12 स्मोक ग्रेनेड फायर कर रहा है।
इसका एंटी थर्मल एंटी लेजर सफेद धुआं टैंक को छुपाव दे रहा है। इसके अलावा NT90 टैंक्स में इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम यानी IMCS लगाया गया है। आप इस टैंक का एक उदाहरण अपने दाहिने सबसे ऊंचे ड्यून पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। ये एक एडवांस कैमोफ्लेज सिस्टम है जिससे टैंक का रेडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी नॉर्मल पेंट किए हुए टैंक से बहुत कम है। अपना ध्यान सामने ले जाएं, जहां थलसेना के दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा T90 टैंक्स के साथ मिलकर दुश्मन के टैंकों को टारगेट ग्रुप 1 तथा 2 में बर्बाद करते हुए नजर आएंगे। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की श्रृंखला में Mark IV को रुद्र के नाम से जाना जाता है। अपने प्रबल प्रहार से दुश्मन के शिविर में हाहाकार। लड़ाई के दौरान बैटलफील्ड में कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक घायल टैंक क्रू को क्रिटिकल गोल्डन आर पीरियड के अंतर्गत उपयुक्त अस्पताल में तेजी से पहुंचाया जा सकता है। कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करने के लिए टैक्टिकल लैंड रेडियो या सिक्योर आर्मी मोबाइल के द्वारा कॉल किया जा सकता है। अब अपना ध्यान लेफ्ट फिंगर पर ले जाएं, जहां एक चेतक हेलीकॉप्टर सबसे दाहिने वाले एमपीटी अर्जुन के इंजन डेक से कैजुअल्टी को एक अत्यंत मुश्किल मैनूवर से इवैक्यूएट कर रहा है, जो पायलट की काबिलियत को दर्शाता है। अपना ध्यान एरिया लेफ्ट BMP-2 को एक्टिवेट करके सबसे नजदीकी मेडिकल सुविधा की तरफ ले जाते हुए देख सकते हैं। टैंक और BMP के क्रू को इन दोनों साधनों की मदद से लड़ाई के मैदान से तेजी से इवैक्यूएट किया जाता है। अब हमारी तीनों सेनाओं ने दुश्मन को हर तरफ से घेर लिया है। हमारे सभी दस्ते अपने संयुक्त प्रहार से दुश्मन की सेना का पूर्णतः विनाश करने के लिए तैयार है। यही समय की पुकार है, भागवत का सार है, सैन्य धर्म की राष्ट्रीय हुंकार है। आरंभ है प्रचंड। देवी और सज्जन और रेंज की सुरक्षा और सीमित दूरी को देखते हुए पूरी कार्रवाई को सीमित और छोटे तौर पर दिखाया गया है। हम आपकी कल्पना पर छोड़ते हैं कि अगर हम शत्रु पर तीनों सेनाओं के साथ पूरी ताकत के साथ संहार करते हैं तो संहार अस्तित्व से परे असहनीय अद्भुत और अकल्पनीय होगा। प्रबल प्रबुद्ध प्रचंड हो, वतन के दुश्मनों के तुम कहर के काल दंड हो। नजर से मात्र ही तेरे अरी तो खंड खंड हो, जमी तो नाप लो सभी, जमी तो नाप लो सभी, वो आसमान सर धरो।
विजय 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 करो, संपूर्ण तुम विजय करो। इसी के साथ एक्सरसाइज भारत शक्ति का समापन। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।